तो वेलकम बैक टू वन ऑफ आवर वीडियोस डेली ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे क्योंकि यहाँ तो सब बढ़िया है। आज बारिश भी हुई है, देख सकते हो पूरा क्लाउडी है एंड मस्त ठंडा हो गया है तो मज़ा आ रहा है। और इसी की वजह से, इस ठंडे मौसम के वजह से बारिश जो हुई है उसके वजह से हम लोग एक्स्ट्रा सो भी गए। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि कल बहुत टायर्ड हो गए थे, लेग वर्कआउट था प्लस उतना दूर ड्राइव ट्रैफिक ड्राइव पे गए थे। मतलब दूर तो था नहीं बट बहुत टाइम लगा बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड फिर थोड़ा और घूमे थे उसके बाद खाना खाने के बाद एंड देन हम लोग घर पे आए थे एंड इट वाज अमेजिंग। आज थोड़ा घर पे सफाई करेंगे और गाड़ी को साफ़ करेंगे। बहुत टाइम हो गया गाड़ी साफ़ हुई नहीं है एंड इट रियली रिक्वायर्स दैट क्लीनिंग। अभी ऐसा हाल हो गया उसका एंड अभी तो जा रहा हूँ मैं दूध वगैरह लेने। हम लोग स्टॉक करके नहीं रख रहे ज़्यादा दिनों के लिए, एक या दो दिन मैक्सिमम, क्योंकि ऐसे ही वॉक करता मेरे को पसंद है। मॉर्निंग में थोड़ा सा वॉक करके चले जाओ और सामान लेके आओ तो अच्छा लगता है, फ्रेश एयर है और फ्रेश फ्रेश चीज़ें मिल जाती है, थोड़ी सब्ज़ियाँ या फिर कभी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट वे कल का हमारा कुछ प्लान है जो शायद हम लोग अगले वीडियो पे ही बताएंगे आपको, बट वी आर गोइंग समवेयर और देखते हैं वो जगह कैसी है। वी हैव नॉट हर्ड ऑफ दैट प्लेस दैट मच फ्रॉम एनीवन, तो देखते हैं कैसी होगी प्लेस एंड आपके साथ शेयर करेंगे वो एक्सपीरियंस भी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पता नहीं क्यों आज दुकानें सारी बंद हैं, मेरे को तो अभी और दूर वॉक करके जाना पड़ रहा है एंड रीज़न पता है तो मैं आपको बताता हूँ, बट एज ऑफ नाउ मेरे को कोई रीज़न नहीं मालूम कि क्यों बंद है। तो मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हल्की हल्की बारिश तो इसे फिर से स्टार्ट हो गई है और दुकान बंद होने का रीज़न कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। अभी पता चला है कि हर संडे यहाँ पे थोड़ा सा दुकानें बंद रहती हैं दिन के टाइम पे या सुबह के टाइम पे। आई गेस उनको उनका हॉलीडे है कि हर दिन शॉप नहीं खोलना है। सो ठीक है, मेरे को सामान मिल गया है, दूध मिल गया एंड हाँ तो मिलते हैं। गुड इवनिंग। तो आज तो हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान हुआ नहीं बिकॉज इट्स रेनिंग राइट नाउ, तो आज सोचा कि थोड़ी सी गाड़ी साफ कर लेते हैं। तो आज गया है गाड़ी साफ करने के लिए एंड आई फील लाइक आई शुड रिकॉल इट, मतलब आप भी देखो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं नीचे, देखते हैं कैसे सफाई हो रही है। हेलो अंकल। क्या चल रहा है फिर? सफाई, बारिश है, नेचुरल एयर आ रही है, हमारा वाटर आ रहा है तो साफ सफाई भी अच्छे से हो जाती है। मैंने सोचा हम तो कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं तो गाड़ी की सफाई दिखा दें। डेली ब्लॉगिंग में वही तो होता है, जो तुम करते हो वही तो दिखाते हो, और कुछ भी बातें भी करो। क्या बात, बस सफाई के अलावा? सफाई के अलावा सफाई जरूरी होती है। यहाँ के वेदर के बारे में बताओ क्या हुआ है? वेदर आज बहुत ज्यादा बिजी हो रखा है बारिश की वजह से, तो लोग बस आराम ही कर रहे हैं। आज हम आई थिंक 2:30 उठे ना मॉर्निंग, आफ्टरनून 2:30 उठे, मैं मॉर्निंग बोल रही थी, पता ही नहीं चला कि दिन कम हो गया एंड इट वाज लेट इन द आफ्टरनून। और मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो डाला वो भी 2-3 बजे का ही है के अभी भी वैसा ही लग रहा है क्योंकि पूरे क्लाउड्स है ना, क्लाउड कवर थोड़ी कम होते जा रही, वैसे ही माउंटेन्स ऑल क्लियर हैं। हाँ, थोड़ा सा व्यू है वीडियो में जैसा हमको दिख रहा है तो और भी सुंदर व्यू दिखता जाएगा। एक्चुअली अगर खुद से देखोगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। मैं तो आज झूले पे बैठी हुई थी तो झूला भी दिखाना है ना, कैसा लग रहा है? तो झूला दिखाया ही नहीं उसका, अभी आई गेस छत नहीं लगा है झूले का। हाँ, झूले की छत लगेगी क्या? अंकल से पूछना पड़ेगा, आई गेस अंकल पेंट करना बाकी हो छत है तो इधर ही।
बट वो लुक पूरा चेंज कर दे रहा है ना, वहाँ पे आराम से बैठ के झूलते रहो और बाहर का व्यू देखते रहो। अंकल भी रेस्ट कर रहे हैं पूरा दिन। अंकल की नींद खुली लेट से जब मैंने मैसेज किया। बहुत सारे कीड़े वगैरह मरे पड़े हैं जो साफ हो रहे हैं। इतने दिन गाड़ी चल के आई है ना, समवेयर अराउंड 2000 मोर देन 2000 किलोमीटर्स हो गया, तो गंदी तो होनी ही थी। घूम-घूम के 2500 किलोमीटर हो गए। थोड़ा सा अरे नौ की बात जाओगे तो हर जगह क्या बातें चल रही, बातें मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। अच्छी रोशनी भी आ रही है यहाँ पे थोड़ी सी। थोड़ा सा क्लीन लुक आ रहा है ये यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ ना फ्लावर के साथ एक अपनी वीडियो लूँ, बताओ कैसी लग रही है। टाइम पास चल रहा है मेरा, नहीं घूम नहीं पाया ना, थोड़ा सा सोच रहा टाइम पास ही कर लूँ। अभी मैं ऊपर जाके आपको झूला भी दिखाऊंगी, ब्यूटीफुल। चलो मैं आपको अभी ऊपर का ना झूला दिखाती हूँ, जिस पर मैं मॉर्निंग को थोड़ा सा चिल करी थी। मॉर्निंग मतलब इवनिंग होगी। मैं आ गई टेरेस पे जहाँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकॉर्डिंग करते हैं, और देखिए यहीं पे मैं बैठ के मॉर्निंग को चिल कर रही थी। और अगर मैं आपको राज में, तो वैसे दिन में रिकॉर्ड कर ही लिया है तो वो शॉट ऐड कर देंगे, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। द व्यू इज टोटली अमेजिंग। सर यहाँ से देखते हैं, ये देखो कितना कितना सुंदर है ना, बहुत प्यारा है। अब क्या किससे सफाई हुई? वो जो पाइप है उससे। काका अभी भी काम पे लगे हुए हैं, गाड़ी सूख नहीं सकती आज क्योंकि बारिश हो रही है, और देखते हैं अगर हुई तो आपको दिखाते हैं एंड लुक सफाई के बाद रामू काका ने कितना अच्छा काम किया। तो लाइट थोड़ी कम हो सकती है, हमने नहीं चलाई दूसरी ट्यूबलाइट्स। अभी आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं वैसे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया एंड आज बहुत सारा काम हो गया। प्रिया कार की सफाई तो मैंने कार की सफाई की जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, आफ्टर लेग वर्कआउट एंड ट्रैफिक एंड ऑल, टांगे दर्द हो रही है एंड प्रिया ने पूरा घर का सफाई किया है, तो वी बोथ आर टायर्ड। आज मैंने पनीर बनाया है और अंकल ने चिकन बनाया था, तो वो आज खाएंगे एज अ डिनर।
और आप लोगों को बस आज के लिए बाय बोलने आए थे एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हिच इज डिजिटल नोमैड्स। और आप प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और हमारे वीडियोस आते रहेंगे और इस वीडियो के देखने के बाद अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और क्या। सो आज गुड नाइट एंड बी सेफ बी हेल्दी एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग।